हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग द एनिमी का पार्ट फिफ्थ का स्टडी करेंगे, जिसे देखिए। सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्टिल्स। सिंपली मतलब सिंपली सैचुरेट द कॉटन, मतलब उसने कहा कि बस रुई को भिगो लो। सिंपली सैचुरेट द कॉटन, कॉटन मीन्स रुई, रुई को सैचुरेट भिगो लो, यानी उसने कहा कि सामान्यतया रुई को भिगो लो। एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्टिल्स, और उसकी नाक के पास से ले जाओ। नोस्टिल्स नाक। सदाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंट्रिकेट डिटेल ऑफ हिज वर्क। देखिए कहा जा रहा है कि अपनी जटिल क्रिया की एक क्षण भी रुके, कहा जा रहा है कि अपनी जटिल क्रिया के एक क्षण भी रुके। इंट्रिकेट, इंट्रिकेट मीन्स पेचीदा, जटिल। अपनी जटिल क्रिया के एक क्षण भी रुके बिना सदाओ ने उत्तर दिया। क्लियर, सदाओ ने उत्तर दिया। व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली मूव इट अवे अ लिटिल, जब उसकी सांस रुकने लगे। व्हेन ही ब्रीथ्स बैडली, जब उसकी सांस रुकने लगे, मूव इट अवे अ लिटिल, इसे थोड़ा दूर हटा देना। क्लियर। सी क्राउज्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन। देखिए क्राउज्ड, सी क्राउज्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस। क्राउज्ड का मतलब होता है झुकना, ठीक है। क्राउज का मतलब होता है झुकना या दुबक कर बैठना। सी क्राउज क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग अमेरिकन, मतलब वह युवा अमेरिकन के सोते हुए चेहरे के पास झुकी या दुबक कर बैठ गई। इट वॉज अ पीटियसली थीन फेस, यह पीटियसली बड़ा ही दयनीय रूप से पतला चेहरा था। पीटियसली दयनीय। सी थॉट, उसने सोचा। एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और होठ ट्विस्टेड थे, मुड़े हुए थे। द मैन वॉज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, उसे पता हो या न हो पर वह कष्ट में था। उसे पता हो या न हो लेकिन ही वॉज सफरिंग, वह कष्ट में था। क्लियर। वॉचिंग हिम, उसे देखकर। सी वंडर्ड इफ द स्टोरीज दे हर्ड समथिंग ऑफ द सफरिंग्स ऑफ प्रिजनर्स वर ट्रू, उसे देखकर वह सोच रही थी कि बंदियों के कष्टों के बारे में जो कहानियाँ कभी कभी सुनी जाती हैं, यानी बंदियों के कष्टों के बारे में जो कहानियाँ कभी कभी सुनी जाती हैं, कहीं वे सच तो नहीं। वर ट्रू, कहीं वे सच तो नहीं। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ र्यूमर, वे हल्की अफवाहों की तरह आती हैं। वे फ्लिकर ऑफ र्यूमर्स, र्यूमर्स में से अफवाहें, फ्लिकर्स में से हल्की या टिमटिमाती, ये हल्की अफवाहों की तरह आती हैं। टोल्ड बाई वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कॉन्ट्रेडिक्टेड, एक मुंह से दूसरे मुंह तक सदा विरोधी होती हैं, कंट्राडिक्टेड विरोधी होती हैं। इन द न्यूज़पेपर
द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट वेयर एवर द जापानीज आर्मी वेंट द पीपुल रिसीव्ड देम ग्लैडली। देखिए अखबारों में तो यह सदा यही खबर होती है, अखबारों में तो सदा यही खबर होती है, विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन। अखबारों में तो सदा यही खबर होती है कि जहाँ भी जापानी सेना जाती है लोग अपनी आज़ादी की खुशी के नारे लगाते हुए बड़ी खुशी से उनका स्वागत करते हैं। क्लियर। बट समटाइम्स सी रिमेंबर्ड सच अ मैन एज जनरल टकीमा। पर कभी कभी उसे जनरल टकीमा जैसे लोगों की याद आती है, पर कभी कभी उसे जनरल टकीमा जैसे लोगों की रिमेंबर्ड याद आती थी। हु एट होम बिट हिज वाइफ क्रूवली, जो घर पर बड़ी निर्दयता से अपनी पत्नी को पीटता था। क्लियर। थॉट नो वन मेंशन्ड इट नाउ, हालांकि अब कोई इस बात का जिक्र नहीं करता था, दैट ही हैड फॉट सो विक्टोरियस अ बैटल ऑफ मंचूरिया, क्योंकि उसने मंचूरिया की एक बड़ी लड़ाई में विजय प्राप्त की थी। क्लियर। क्योंकि वह मंचूरिया की एक बड़ी लड़ाई में विजय प्राप्त की थी, इसलिए लोग अब उसकी छोटी कमियों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। क्लियर। इफ अ मैन लाइक दैट कुड बी सो क्रूएल टू अ वूमेन इन हिज पावर, वुड ही नॉट बी क्रूएल टू वन लाइक दिस। फॉर इंस्टेंस विस उदाहरण, अगर उस जैसा कोई व्यक्ति, इफ अ मैन लाइक दैट, या फिर यदि उस जैसा कोई व्यक्ति कुड बी सो क्रूएल टू अ वूमेन इन हिज पावर, यदि उस जैसा व्यक्ति अपने अधीन रहने वाली औरतें के प्रति इतना निर्दयी हो, तो वुड ही नॉट बी क्रूएल टू वन लाइक दिस। फॉर इंस्टेंस हो तो वह उदाहरण के लिए, इंस्टेंस तो वह उदाहरण के लिए क्या इस जैसे व्यक्ति के प्रति निर्दयी नहीं हो सकता। क्लियर। मतलब उसने कहा कि उसने मंचूरिया की एक बड़ी लड़ाई में विजय प्राप्त की थी, अगर उस जैसा कोई व्यक्ति अपने अधीन रहने वाली औरत के प्रति इतना निर्दयी हो। क्लियर। कहा जा रहा है कि अपने अधीन रहने वाली औरत के प्रति इतना निर्दयी हो सकता है, तो वह उदाहरण के लिए क्या इस जैसे व्यक्ति के प्रति निर्दयी नहीं हो सकता। सी होप्ड ऑंक्सियसली, वह बड़ी चिंता से काम करने लगी, वह बड़ी चिंता से काम करने लगी, दैट दिस यंग मैन हैड नॉट बीन टॉर्चर्ड, कि इस युवक को न सताया गया हो। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट सी ऑजर डीप रेड स्कार्स ऑन हिज नेक जस्ट अंडर द ईयर, बिल्कुल इसी क्षण इट वॉज एट दिस मोमेंट, बिल्कुल इसी क्षण उसने उसकी गर्दन पर, बिल्कुल उसके कान के नीचे लाल घाव का निशान देखा। दैट सी ऑब्जर्व्ड डीप रेड स्कार मीन्स निशान ऑन हिज नेक, गर्दन, देखिए उसके कान के नीचे, उसके बिल्कुल कान के नीचे लाल घाव का निशान देखा। दोज स्कार्स, वे घाव के निशान, दोज स्कार्स मीन्स
घाव के निशान। सी मर्मर्ड, वह बड़बड़ाई। लिफ्टिंग हर आइज टू सदाओ, और उसने सदाओ की ओर आंखें उठाई, और वह सदाओ की ओर आंखें उठाई। बट ही डिड नॉट आंसर, परंतु उसने उत्तर नहीं दिया। एट दिस मोमेंट, इसी क्षण, ही फेल्ट द ट्रिप ऑफ हिज इंस्ट्रूमेंट स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड। इसी क्षण उसे लगा कि उसके औजार का सिरा, टिप मीन्स सिरा, इसी समय लगा कि उसके औजार का जो इंस्ट्रूमेंट, औजार का सिरा किसी कठोर चीज से टकराया। स्ट्राइक अगेंस्ट समथिंग हार्ड, क्लियर? मतलब कहा जा रहा है, इसी क्षण उसे लगा कि उसके औजार का सिरा किसी कठोर चीज से टकराया, स्ट्राइक, टकराया। डेंजरसली नियर द किडनी, मतलब जो खतरनाक रूप से गुर्दे के बिल्कुल पास था। किडनी मिस गुर्दा। ऑल थॉट लेफ्ट हिम, मतलब अब वह पूरी तरह से निर्विचार था। ही फेल्ट ओनली द प्योरेस्ट प्लीजर, वह केवल शुद्धतम आनंद की अनुभूति उसे हुई, यानी उसे केवल शुद्धतम आनंद की अनुभूति हुई। ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स, देखिए ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स, उसने बड़ी कोमलता से अपनी उंगलियों से टटोला, क्लियर? उसने बड़ी कोमलता से, ही फेल्ट वनली, ही प्रोब्ड विद हिज फिंगर्स, मतलब कहा जा रहा है कि उसने बड़ी ही कोमलता से अपनी उंगलियों से टटोला, क्लियर? प्रोब्ड, प्रोब्ड की रियल मीनिंग होती है जांच किया, यानी वह अपनी उंगलियों से उसे टटोला या उसकी जांच किया। डेलिकेटली फेमिलियर विद एवरी एटम ऑफ हिज ह्यूमन बॉडी, जो इस मानव शरीर के हर परमाणु से परिचित थी। हिज ओल्ड अमेरिकन प्रोफेसर ऑफ एनाटॉमी, देखिए एनाटॉमी में होता है शरीर रचना, हैड सीन टू द नॉलेज, शरीर विज्ञान के उसके बूढ़े अमेरिकन प्रोफेसर ने उस ज्ञान का ध्यान रखा था। इग्नोरेंस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज द सर्जन्स कार्डिनल सीन सर्स, मानव शरीर का अज्ञान सर्जन, मानव शरीर का अज्ञान सर्जन, मानव शरीर का अज्ञान सर्जन सबसे बड़ा पाप है, ठीक है? सर्जन कार्डिनल सीन, यहाँ कार्डिनल का सेंस है सबसे बड़ा या मुख्य, यानी ये कहा जा रहा है कि वह सर्जन जो अज्ञानी है वह सबसे बड़ा पाप करता है। सर, श्रीमान। ही हैड थंडर्ड एट हिज क्लासेस ईयर आफ्टर ईयर, वर्ष प्रतिवर्ष वह अपनी कक्षाओं में गर्जा करता था, थंडर्ड गर्जा करता था। टू ऑपरेट विदाउट अ कंप्लीट नॉलेज ऑफ द बॉडी एज इफ यू हैड मेड इट एनी थिंग लेस देन दैट इज मर्डर, टू ऑपरेट विदाउट अ कंप्लीट नॉलेज, शरीर का ज्ञान ऐसा होना चाहिए, उसने कहा, यू हैड मेड, शरीर का ज्ञान ऐसा होना चाहिए जैसे उसे तुमने ही बनाया है, शरीर का ज्ञान ऐसा होना चाहिए जैसे
इफ यू हैड मेड इट, कि तुमने इसे बनाया है। इससे कम कोई भी बात हत्या है। एनी थिंग लेस देन दैट इज मर्डर, इससे कोई भी बात हत्या है। यानी वह कहना चाहते हैं कि यदि ऑपरेशन करते हैं तो आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो फिर आप हत्या कर रहे हैं। इट इज़ नॉट क्वाइट एट द किडनी माई फ्रेंड, यह पूरी तरह से गुर्दे पर नहीं है मेरे दोस्त। मेरे दोस्त, यह पूरी तरह से गुर्दे पर नहीं है। सदाओ मर्मर्ड, सदाओ बड़बड़ाया। इट वॉज हिज हैबिट टू मर्मर टू द पेशेंट व्हेन ही फॉरगॉट हिमसेल्फ इन एन ऑपरेशन, यह उसकी आदत थी कि जब वह ऑपरेशन करते हुए स्वयं को बिल्कुल भूल जाता था। माई फ्रेंड, तो वह मरीज को धीरे धीरे बड़बड़ाता। क्लियर, तो मरीज को धीरे धीरे बड़बड़ाता। ही ऑलवेज कॉल्ड हिज पेशेंट एंड सो नाउ ही डिड फॉरगेटिंग दैट दिस वॉज हिज एनिमी, वह सदा अपने मरीजों को मेरे दोस्त कह करके पुकारता था और अब भी उसने वैसा ही किया। देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इंसिजन द बुलेट वॉज आउट। देखिए, देन क्विकली विद क्लीनेस्ट कहा जा रहा है, तब बड़ी ही शीघ्रता से देन क्विकली विद द क्लीनेस्ट एंड मोस्ट प्रिसाइज ऑफ इन साइंस द बुलेट वॉज आउट, मतलब कहा जा रहा है फिर शीघ्र बिल्कुल साफ और एकदम सही कटाओं के साथ। क्लियर, सही कटाओं के साथ गोली बाहर आ गई। द बुलेट वॉज आउट, गोली बाहर आ गई। द मैन क्वर्ड, आदमी कांपा, बट ही वॉज स्टिल अनकॉन्शस, परंतु वह अब भी बेहोश था। नेवर द लेस, तो भी ही मटर्ड अ फ्यू इंग्लिश वर्ड्स, उसने कुछ अंग्रेजी के शब्द बड़बड़ाया। गट्स, देखिए गट्स, गट्स में होता है आंतड़ियाँ, आते आंतड़ियाँ। ही मर्मर्ड, वह बड़बड़ाया। चोकिंग, गला रुकते हुए, यानी वह बड़बड़ाया गला रुकते हुए। दे गॉट माई गट्स, उन्होंने मेरी आंतों को घायल कर दिया। सदाओ हाना क्राइड शार्पली, सदाओ हाना जोर से चिल्लाई। हस, सदाओ शेड, देखिए सदाओ ने कहा हस, हस में से चुप। सदाओ शेड, सदाओ ने कहा चुप हो जाओ। द मैन sank अगेन इंटू साइलेंस सो प्रोफाउंड दैट सदाओ took अप हिज रिस्ट, वह आदमी फिर से इतनी गहरी चुप्पी में डूब गया। द मैन sank अगेन इंटू साइलेंस सो प्रोफाउंड, प्रोफाउंड मतलब गहरा, मतलब है आदमी एक बार पुनः इतनी गहरी चुप्पी में डूब गया कि सदाओ को उसकी कलाई को पकड़ना पड़ा।
सदाओ टुक अप हिज रिस्ट, कि सदाओ को उसकी कलाई को पकड़ना पड़ा। हेटिंग द टच ऑफ इट, हालांकि इसे छूने से नफरत करता था। यस हाँ, देयर वॉज स्टिल अ पल्स टू फेंट, हाँ यहाँ अभी एक धुंधली सी धड़कन थी। फेंट धुंधली, पल्स धड़कन, यानी वहाँ अभी धुंधली सी धड़कन थी। सो फीबल, इतनी कमज़ोर, बट एनफ, परंतु काफ़ी थी। इफ ही वॉन्टेड द मैन टू लीव, यदि वह उस आदमी को जीवित रखता, टू गिव होप, उसको आशा देना चाहता है तो, यानी कहा जा रहा है यदि वह उस आदमी को जीवित रखता, उसको आशा देना तो जरूर चाहता था। बट सर्टेनली, परंतु निश्चित रूप से, आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन, परंतु निश्चित रूप से मैं नहीं चाहता कि यह आदमी जिए। टू लीव, बट सर्टेनली, निश्चित रूप से, आई डू नॉट वॉन्ट दिस मैन टू लीव, परंतु निश्चित रूप से मैं नहीं चाहता कि यह आदमी जिए। ही थॉट, उसने सोचा। नो मोर, देखिए कहा जा रहा है नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना, वह बेहोशी की दवा उसे दिया। देखिए कहा जा रहा है कि नो मोर एस्थेटिक, ही टोल्ड हाना, नो मोर एनेस्थेटिक, ही टोल्ड हाना, और बेहोशी की दवा नहीं। नो मोर एनेस्थेटिक, एनेस्थेटिक में सुधा है बेहोशी की दवा, और बेहोशी की दवा नहीं। ही टोल्ड हाना, उसने हाना से कहा। ही टर्न्ड एज स्विफ्टली एज दो ही हैड नेवर पॉज्ड, एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स ही चोज अ स्मॉल वायल एंड फाउंड इट फिल्ड अ हाइपडर्मिक एंड थ्रस्ट इट इंटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म। देखिए ही टर्न्ड एज स्विफ्टली, वह इतनी जल्दी से मुड़ा, एज दो मानो वह कभी रुका ही नहीं था। ही हैड नेवर पॉज्ड, वह कभी रुका ही नहीं था। एंड फ्रॉम हिज मेडिसिन्स ही चोज अ स्मॉल वायल, और उसकी दवाइयों में से उसने एक शीशी उठाई। अपनी दवाइयों में से उसने एक वायल, एक शीशी उठाई, वायल में शीशी। एंड फ्रॉम इट फिल्ड अ हाइपडर्मिक, और इसमें से एक इंजेक्शन भरा और इसको मरीज की बाईं बाजू में लगा दिया। क्लियर, हाइपडर्मिक में होता है त्वचा के नीचे जाना। एंड थ्रस्ट इट इंटू द पेशेंट्स लेफ्ट आर्म, क्लियर, और उसके बाईं बाजू में लगा दिया। देन पुटिंग डाउन द नीडल, फिर सुई को रखते हुए, ही टुक द मैन्स रिस्ट अगेन, उसने उस आदमी की कलाई फिर से पकड़ा। द पल्स अंडर हिज फिंगर्स फ्लूटर्ड वंस और ट्वाइस, उसकी उंगली के नीचे नाड़ी एक या दो बार फड़फड़ाई, फ्लूटर्ड फड़फड़ाई, एंड देन ग्रीव स्ट्रांगर, और थोड़ा तेज हो गई। क्लियर, दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल, हर बात के बावजूद यह आदमी जिएगा। दिस मैन विल लिव इन स्पाइट ऑफ ऑल,
हर बात के बावजूद यह आदमी लीव जिएगा। ही सेड टू हाना एंड साइड, उसने हाना से कहा और साइड गहरी सांस ली। द यंग मैन ओक, कहा जा रहा है कि नवयुवक जागा। सो वीक हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, मतलब इतना कमज़ोर उसकी नीली आँखें इतनी डरी हुई थीं। देखिए द यंग मैन ओक सो वीक हिज ब्लू आइज सो टेरिफाइड, मतलब इतना कमज़ोर उसकी नीली आँखें इतनी डरी हुई थीं। वेन ही परसिव्ड वेयर ही वॉज, जब उसने यह देख कर कि वह कहाँ है, वेयर ही वॉज वह कहाँ है, दैट हाना फेल्ट कॉम हाना फेल्ट कॉम्पेल्ड टू एप्लोजाइज, कि हाना को लगा कि उसे क्षमा करना मजबूरी थी। एप्लोजाइज मीन्स क्षमा करना। सी हर सेल्फ सर्व्ड हिम, उसने स्वयं उसकी सेवा की। फॉर क्योंकि नन ऑफ सर्वेंट्स वुड इंटर द रूम, क्योंकि कोई नौकर उस कमरे में घुसने को तैयार न था। वेन सी केम इन द फर्स्ट टाइम, जब वह पहली बार अंदर आई, सी वॉज सी सा हिम समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ, तो उसने देखा कि वह बड़ी क्षुद्र शक्ति को एकत्रित कर किसी भयावह चीज के लिए तैयार था। क्लियर। सी सा समन हिज स्मॉल स्ट्रेंथ, छोटा सा अपनी शक्ति को एकत्रित कर टू प्रिपेयर फॉर सम फियरफुल थिंग्स, मतलब किसी भयानक चीज के लिए वह तैयार था। डोंट बी अफ्रेड, डरो मत। सी बेग्ड हिम सॉफ्टली, कोमल आवाज में उसने विनती की। हाउ कम यू स्पीक इंग्लिश, ही गैस्प्ड, अरे तुम अंग्रेजी बोलते हो। हाउ केम यू स्पीक इंग्लिश, अरे तुम अंग्रेजी बोलते हो। ही गैस्प्ड, उसने हैरान होकर कहा। गैस्प्ड मीन्स होता है हैरान होना, हैरान होकर या हाँफते हुए कहा। इट वॉज ए लॉन्ग टाइम इन अमेरिका, सी रिप्लाइड, मैं लंबे समय तक अमेरिका में रही हूँ, उसने उत्तर दिया। सी रिप्लाइड, सी सॉ दैट ही वांटेड टू रिप्लाई टू दैट, उसने देखा कि वह उसकी बात का उत्तर देना चाहता था। बट ही कुड नॉट, परंतु ऐसा नहीं कर सका। एंड सो सी नेल्ट एंड फेड हिम जेंटली फ्रॉम द पोर्सलेन स्पून, और इसलिए वह झुकी और कोमलता से उसे चीनी के चम्मच से खाना खिलाया। पोर्सलेन स्पून में से चीनी का चम्मच। ही एट अनविलिंगली, उसने चाहे अनिच्छापूर्वक खाया, बट स्टिल ही एट पर खाया। नाउ यू विल सून बी स्ट्रांग, शी सेड, अब तुम शीघ्र ही शक्ति पालोगे, अब तुम्हें शीघ्र ही शक्ति आ जाएगी। शी सेड नॉट लाइकिंग हिम एंड एट मूव्ड टू कम्फर्ट हिम, उसे पसंद ना करते हुए भी और फिर भी उसे तसल्ली देने के लिए वह बोली। देखिए नॉट लाइकिंग हिम, उसे पसंद ना करते हुए भी उसे तसल्ली देने के लिए
वह बोली, ही डिड नॉट एंसर, उसने कोई जवाब नहीं दिया। When Sadao came in the third day after the operation, ऑपरेशन के तीसरे दिन जब सदाव आया तो उसने देखा कि युवक उठकर बैठ रहा है। He found the young man sitting up, कि युवक उठकर बैठ रहा है। His face bloodless with the effort, ऐसी कोशिश करने से उसका चेहरा पीला पड़ गया था। Lie down, सदाव cried, लेट जाओ। Lie down, लेट जाओ, सदाव cried, सदाव चिल्ला करके बोला। Do you want to die, क्या तुम मरना चाहते हो। He forced the man down gently and strongly and examined the wound, मतलब उसने व्यक्ति को धीरे से मगर बलपूर्वक लेटा दिया। उसने उस व्यक्ति को धीरे से लेकिन बलपूर्वक लेटा दिया और उसका घाव देखा स्ट्रांगली एंड एग्जामिन्ड हिज वुंड, उसके घाव को देखा, उसके घाव का परीक्षण किया। यू मे किल योरसेल्फ इफ यू डू दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स, अगर तुम ऐसे काम करोगे तो तुम स्वयं को मार डालोगे। ही इज कॉल्ड डेड, उसने डांटते हुए कहा। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, तुम मेरे साथ क्या व्यवहार करोगे। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद मी, तुम मेरे साथ क्या व्यवहार करोगे। द बॉय मटर्ड, लड़का बड़बड़ाया। ही लुक्ड जस्ट नाउ बेयरली 17, इस समय कहा जा रहा है कि 17 इस समय वह 17 साल से अधिक का नहीं लगता था। इस समय वह 17 17 साल से अधिक का नहीं लगता था। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे। आर यू गोइंग टू हैंड मी ओवर, क्या तुम मुझे पुलिस के हवाले कर दोगे। फॉर अ मोमेंट, देखिए कहा जा रहा है कि फॉर ए मोमेंट, एक पल के लिए। सदाव डिड नॉट आंसर, कहा जा रहा है एक पल के लिए सदाव ने कोई जवाब नहीं दिया। ही फिनिश्ड हिज एग्जामिनेशन, उसने अपना निरीक्षण खत्म किया। एंड देन पुल्ड द सिल्क क्विल्ट ओवर द मैन, और फिर रेशम की रजाई व्यक्ति के ऊपर डाल दी। क्लियर। आई डू नॉट नो माई सेल्फ व्हाट आई शैल डू विद यू, मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। ही सेड, उसने कहा। आई थॉट ऑफ कोर्स टू गिव यू टू द पुलिस, मुझे अवश्य ही तुम्हें पुलिस के हवाले करना चाहिए। यू आर अ प्रिजनर ऑफ वॉर, तुम एक युद्ध बंदी हो। क्लियर, तुम एक युद्ध बंदी हो। नो, डू नॉट टेल मी एनीथिंग, नहीं मुझे कुछ मत बताओ। ही पुट अप हिज हैंड एज ही सॉ द यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, उसने अपने हाथ से रोका जब उसने देखा कि जवान आदमी बोलने ही वाला था। उसने अपने हाथ से रोका जब वह देखा कि यंग मैन वॉज अबाउट टू स्पीक, कि जवान आदमी बोलने ही वाला था। डू नॉट इवन टेल मी योर नेम अनलेस आई आस्क इट, जब तक मैं पूछता नहीं मुझे तुम्हारा नाम भी
मत बताओ। उसने कहा जब तक मैं पूछूं नहीं तुम मुझे अपना नाम भी मत बताओ। दे लुक्ड एट ईच अदर फॉर अ मोमेंट। उन्होंने एक पल, कहा जा रहा है उन्होंने एक पल के लिए एक दूसरे की तरफ देखा, मोमेंट पल। एंड देन द यंग मैन क्लोज्ड हिज आईज, और जवान आदमी अपनी आंखों को बंद कर लिया। एंड टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल, और अपना चेहरा दीवार की तरफ फेर लिया। ओके ठीक है। ही विस्पर्ड हिज माउथ अ बिटर लाइन, उसने धीरे से कहा ही विस्पर्ड हिज माउथ अ बिटर लाइन, मतलब उसने धीरे से कहा, उसका मुंह कड़वाहट हो गया। आउटसाइड द डोर हाना वाज वेटिंग फॉर सदाओ। देखिए दरवाजे के बाहर हाना सदाओ का इंतजार कर रही थी। आउटसाइड द डोर दरवाजे के बाहर हाना वाज वेटिंग फॉर सदाओ। हाना सदाओ का इंतजार कर रही थी, उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। ही सा एट वंस दैट सी वाज इन ट्रबल, उसने तुरंत देखा कि वह कुछ ट्रबल, कुछ परेशानी में थी। सदाओ यूमी टेट्स मी द सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर। सदाओ यूमी मुझे कहती है, सदाओ यूमी मुझे कहती है कि नौकर महसूस करते हैं कि यदि हम इस आदमी को यहाँ छिपाए रखते हैं तो वे यहाँ अब और नहीं रहेंगे। सर्वेंट्स फील दे कैन नॉट स्टे इफ वी हाइड दिस मैन हियर एनी मोर, मतलब एक नौकर कहते हैं कि यदि उस आदमी को छिपाया गया तो वे यहाँ अब नहीं रहेंगे। शी सेड, उसने कहा, शी टेल्स मी दैट दे आर सेइंग दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग। वह मुझसे बताती है, शी टेल्स मी, वह मुझसे बताती है कि वे कह रहे हैं दैट दे आर सेइंग, वे कह रहे हैं कि दैट यू एंड आई वर सो लॉन्ग, कि तुम और मैं इतने लंबे समय तक अमेरिका में रहे हैं। अमेरिका दैट वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट, दे थिंक वी लाइक अमेरिकन्स। क्लियर। वह मुझे बताती है कि वे कह रहे हैं कि तुम और मैं इतने लंबे समय तक अमेरिका में रहे हैं, इतने लंबे समय तक अमेरिका में रहे हैं कि हम सबसे पहले अपने देश के बारे में भी भूल गए। वी हैव फॉरगॉटन टू थिंक ऑफ आवर ओन कंट्री फर्स्ट, कि सबसे पहले हम अपने देश के बारे में भी भूल गए। दे थिंक वी लाइक अमेरिकन, वे सोचते हैं कि हम अमेरिकियों को चाहते हैं। इट इज़ नॉट ट्रू, सदाओ सेड हॉर्सली, यह सच नहीं है। इट इज़ नॉट ट्रू, यह सच नहीं है। सदाओ सेड हॉर्सली, सदाओ ने सख्ती से कहा, हॉर्सली सख्ती से कहा। अमेरिकन्स आर आवर एनिमीज, अमेरिकन हमारे दुश्मन हैं। बट आई हैव बीन ट्रेंड नॉट टू लेट अ मैन डाई इफ आई कैन हेल्प इट, लेकिन मुझे सिखाया गया है कि यदि हो सके तो एक आदमी को मरने नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए आई हैव बीन ट्रेंड, मुझे सिखाया गया है कि हो सके तो एक आदमी को मरने दिया जाना नहीं चाहिए। क्लियर। द सर्वेंट कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, नौकर यह नहीं समझ सकते। शी सेड ऑंशियसली, उसने
चिंता में कहा। नो, नहीं, ही एग्रीड, वह सहमत हुआ।